हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। और आज हम इस रिवीजन की कड़ी में आज अपना सेकंड चैप्टर हम लेकर के आए हैं, रिलेशन फंक्शन। और इस वीडियो में रिलेशन फंक्शंस के डिफिनीशंस और उसके टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आज का चैप्टर। और ये छोटी छोटी वीडियो सिर्फ आपके रिविजन के पर्पज से है, ताकि आप पूरे चैप्टर को एक बार में समराइज कर सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो है एक जैसे बोलते हैं कि ईगल आईज, यानी कि एक दृष्टि में जो पॉइंट्स आपको रिमेम्बर होने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर टू, सेकंड चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उनके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी इज गिवन बाय। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि सेट ए होगा, सेट बी, दो सेट होंगे, इन दोनों सेट्स के बीच में हमें जो है ऑर्डर पेयर में, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो इस फॉर्म में जितने प्रकार से प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सभी प्रोडक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। If a comma b is equal to x comma y, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारे जो सेट होते हैं उनमें से अगर a comma b is equal to x comma y दिया गया, इसका मतलब यह है कि a is equal to x and b is equal to y, यानी फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल रख लेते हैं, सेकेंड सेकेंड के इक्वल रख लेते हैं और हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन r। तो रिलेशन r फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a इज टू अ नॉन एम्प्टी सेट b इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारा एलिमेंट होता है, यानी हमारे पास जो सेट होता है वह जो है हमारा रिलेशन कहलाता है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सेट ए का नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमारा जो है वो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होना चाहिए। डोमेन क्या होता है? तो जो ए कॉमा बी है जिसमें ए पोर्शन हमारा डोमेन में काउंट होता है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। और रेंज क्या होती है? तो जो है रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। तो हमारे पास ए जो है सिमिलरली हम इसको डोमेन बोलते हैं, बी को हम जो है रेंज बोल सकते हैं। को डोमेन क्या होता है? को डोमेन ऑफ आर इज अ सेट ऑफ बी, तो जो हमारे जो है बी का जो सेट होगा वो जो है हमारे आर का को डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या कहलाएगी? तो रेंज जो है हमारा सबसेट ऑफ इक्वल टू को डोमेन, को डोमेन का ही रेंज क्या होता है? सबसेट। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, किसी सेट ए में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो पी है और सेट बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है क्यू है, देन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी किया जाए तो उनके नंबर की संख्या हमारी पी और पी इंटू क्यू हो जाती है। एंड नंबर ऑफ रिलेशन, उसमें कितने प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं? वे रिलेशन होते हैं टू की पावर पी की। नेक्स्ट पॉइंट है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set A। यानी किसी भी relation F में जो हमारा जो है A set से लेकर के B set तक जो है हमारा form हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि F from a set A to set B is said to be a function, उसे हम function बोलते हैं। If every element of set A, set A का जो है प्रत्येक element has one and only one image in set B, यानी ए सेट के सभी वैल्यू एलिमेंट्स की इमेज जो है बी में बन रही है, तो वह जो है हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो हमारे पास जो है डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, तो एक्स सच दैट एफएक्स इज डिफाइंड, तो जो हमारे पास एक्स की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वह सब हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन का डोमेन कहलाता है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन इज द एफएक्स सच दैट एक्स इज डोमेन ऑफ डी एफ, तो हमारे पास जो है एफएक्स हमारा जो वैल्यू मिलता है वो है हमारी रेंज, और उसमें एफएक्स में फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस की, तो जिसमें पहला काइंड हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, एफएक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, तो R के किसी भी एलिमेंट के लिए अगर X की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें X ही मिले, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज R होता है और रेंज ऑफ फंक्शन भी इसका क्या होता है? R ही होता है।
तो हम इसको इस तरह से जो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट किया गया है fx equal to x, यानी x की जो वैल्यू भरी जाए, x की जगह पर अगर 1 भरते हैं 2 भरते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 और 2 ही मिलती है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन, f such that r tends to r, fx equal to c, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है फंक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ r, वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर ही होगा और रेंज ऑफ फंक्शन इज सी। तो डोमेन तो हम कुछ भी भर सकते हैं रियल नंबर आर का, लेकिन जो है रेंज इसकी हमेशा ऑलवेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसमें जो है हमारे पास एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए दिस ग्राफ जो इसका होता है एफएक्स होता है कांस्टेंट फंक्शन का, ऑलवेज इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है मॉडुलस का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो वैल्यू ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस रेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रेंज ऑलवेज बी पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, दिस फंक्शन इज अ मॉडुलस फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यहां पर जो दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर का ये फंक्शन हमारे पास होता है, तो एफ एक्स वैल्यू यानी कि एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर जो है वैल्यू कुछ और हो, उससे छोटे होने पर वैल्यू कुछ और हो, और उससे बड़े होने पर वैल्यू कुछ और हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि एक्स में हमें जनरल वे में एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, तीनों के लिए तीन वैल्यू मिलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और डोमेन ऑफ फंक्शन जो इस हमारा सिग्नम फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, और रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू माइनस वन जीरो वन, यानी हमारे पास जीरो से बड़ा होने पर वैल्यू हमारी वन होती है, इक्वल टू जीरो होने पर जीरो होती है, और जीरो से छोटे होने पर माइनस वन होती है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज एफ एक्स इक्वल टू, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लोज ब्रैकेट से हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब इस फंक्शन को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारा 2 है तो उसकी वैल्यू 2 ही होगी, अगर 2.1 है तो भी 2 लिखेंगे, और 2.1, 2, 3, 4, 5 एज 9 तक होता है तो भी वैल्यू हम जो है इसको 2 ही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 2 से 3 के बीच में अगर हमारा कोई भी वैल्यू है तो हम जो है उसकी वैल्यू को 2 लिखते हैं, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो हम जो है उसे 1 लिखते हैं, 3 से 4 के बीच तक की कोई वैल्यू है हम उसे 3 ही लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो हमारे पास बाद का जो डिजिट होता है, मान लीजिए 1 से 2, तो 2 को नहीं लिया जाता है, तो 1 से और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सबकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होती है, 1 ही होगी। 2.1 से लेकर 2.9 तक की सभी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और 3.1 से लेकर के 3.9 तक की सभी वैल्यू की वैल्यू जो है 3 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो अलग अलग प्रकार के क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो है हमारे ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं कि हेयर एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में डोमेन जो है हमारा क्या होगा, रियल नंबर, डोमेन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारे पास जो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, और 0 हमारा जो है क्लोज इंटरवल, क्योंकि एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की प्रत्येक निगेटिव वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो हमेशा ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा रेंज है, इसका ग्राफ आपके सामने यहां पर दिखाया गया है, ये जो है हमेशा एक कर्व शेप यानी कि इसको बोल सकते हैं पैराबोला बोल सकते हैं, वाई के स्पेक्ट में यहां पर पैराबोला बनाया गया है, तो आप फिगर में आप देख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन की बात कर लेते हैं, एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस क्यूबिक फंक्शन में हमारे पास जो है डोमेन ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज रियल नंबर, तो रेंज ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास निगेटिव वैल्यू का क्यूब ऑलवेज बी निगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू का क्यूब ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसमें साइन की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, और एक आपके सामने जो है यहां पर उल्टा एस जैसी एक आकृति बनी हुई है इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन।
हम नेक्स्ट की बात करते हैं, लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आर एंड जी सच दैट एक्स टेंड्स टू आर बी एनी टू रियल फंक्शन वेयर एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एफ पॉजिटिव प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ आर। अगर हमारे पास दो फंक्शन का हमारे पास कंपोजिशन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव एड किया जाए तो हमारे पास जो है एफ प्लस माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हमें प्राप्त होता है। और दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट करते हैं एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी हमारे लिए एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स के। और इसी तरह से डिवीजन में फंक्शन एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर पीरियडेड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज डिनोमिनेटर इज जीरो देन फंक्शन इज इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट्स आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहे और हमने जो है इस चैप्टर के जो मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो जिससे आप सीख सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थे उन सभी पॉइंट्स को हमने आपने के सामने इस वीडियो में डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बना करके प्रत्येक चैप्टर की आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।